बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम है आप सबका फ्रॉम सनास किचन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त आटे और खुश दूध से बिस्किट बनाने की रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ, जो कि मिनटों में बनने वाली है। तो कोई स्टेप आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा वॉच करना है। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। तो चलिए जल्दी से हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, बिस्किट बनाने के लिए 1.5 कप मेरे पास यहाँ पर आटा है, जो आम हम घर में इस्तेमाल करते हैं। 1 कप मेरे पास चीनी है, जिसको मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया। 1 कप का तीसरा हिस्सा मेरे पास खुश्क दूध है और 1.25 कप मेरे पास घी का है। साथ ही 1 कप का तीसरा हिस्सा मेरे पास मैदा है और 3 से 4 चुटकियाँ मेरे पास नमक की हैं। चलें जी व्यूअर्स, अब जल्दी से हम एक स्ट्रेनर की मदद से चीनी को स्ट्रेन कर लेते हैं। चीनी को हमने लाजमी स्ट्रेन करना है, ताकि इसमें जो छोटे छोटे जरा और दाने होते हैं वो निकल जाएं। अब हमने घी को थोड़ा थोड़ा करके चीनी में शामिल करना है और हाथों की मदद से इसको मिक्स करते रहना है। सारा एक साथ हमने घी शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके हम घी को शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएंगे। तो व्यूअर्स, बिस्किट हमारे बहुत ही खस्ता बनने वाले हैं, तो वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है, कोई स्टेप आपने स्किप नहीं करना। अब साथ ही व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की हो गई है। बिल्कुल ये एक थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में आ चुका है, बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी में आ चुका है। इस पॉइंट पर हमने खुश्क दूध, जो 1 कप का तीसरा हिस्सा है, वो हम यहाँ पर शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। इसी के साथ साथ व्यूअर्स, एक स्ट्रेनर की मदद से मैं यहाँ पर जो 1 कप का तीसरा हिस्सा मैदा है उसको अच्छी तरह स्टेन कर लूंगी और जो 1.5 कप आटा था उसको भी अच्छी तरह मैं स्टेन कर लूंगी, ताकि इनमें कोई जरा और कोई लम्स ना बने। और साथ ही मैं इसमें 2 चुटकी नमक के शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, इसको हमने आटे की तरह गूंदना नहीं है, बस हमने इसको एक जगह इकट्ठा करना है। बिल्कुल इस तरीके से हमने इसको मिक्स करते जाना है और आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह आप इसको चेक करके देख सकते हैं कि ये इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। अब हमने बिल्कुल इसको एक साइड पर इकट्ठा कर देना है और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम स्टे दे देंगे। जितने व्यूअर्स, तब तक हम ट्रे को ग्रीस कर लेते हैं। घी से मैं अच्छी तरह ट्रे को ग्रीस कर लूंगी, जिसमें हमने बिस्किट्स को बेक करना है। और साथ ही व्यूअर्स, यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे मेरे स्टे दिए हुए। अब मैं बिस्किट्स की शेप बनाऊंगी। बिल्कुल इस तरह आप हाथों की मदद से बिस्किट्स की गोल गोल शेप बना लें। जितने व्यूअर्स, शेप मैंने बना ली है। अब बारी आती है डिज़ाइन की। व्यूअर्स, ये मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ, आप कोई भी अपनी मर्जी का डिज़ाइन बिस्किट्स पर बना सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से मैं सारे डिज़ाइन के बिस्किट्स तैयार कर लूंगी। तो व्यूअर्स, मैं सारे बिस्किट्स तैयार करके आपसे मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, पहले मैंने गोल बिस्किट्स की शेप बनाई थी, यहाँ पर मैंने थोड़े बिस्किट्स को लंबा कर दिया। तो व्यूअर्स, ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बिस्किट्स बनेंगे, आप इनको जैसे मर्जी घर में बनाएं और मेहमानों के आगे सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता बिस्किट तैयार होंगे। डिज़ाइन हमारे सारे तैयार हो चुके हैं, बिस्किट्स हमारी की शेप बिल्कुल सही से तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है जी बिस्किट्स को गार्निश करने की। एक एक बादाम में सब बिस्किट्स पर लगा दूंगी, क्योंकि इसका टेस्ट और इससे लुक बिस्किट्स की बहुत अच्छी हो जाती है। साथ ही व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूध लिया है, जिससे मैं बिस्किट्स को गार्निश करूंगी। इससे ये होगा कि बिस्किट्स का कलर बहुत अच्छा आएगा, लाइट ब्राउन हो जाएगा कलर, तो वो बहुत प्यारा लगेगा और टेस्टी भी लगेगा। तो सारे बिस्किट्स को मैं अच्छे तरीके से गार्निश करके तो फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। चलिए जी व्यूअर्स, अब जल्दी से हम बिस्किट्स को बेक करते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स, मैंने कढ़ाई को तकरीबन 10 मिनट के लिए प्री हीट के लिए रख दिया था लो फ्लेम पर। अब मैं इसको तकरीबन 15 मिनट का टाइम दूंगी, ताकि ये अच्छी तरह बेक हो जाए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर व्यूअर्स, हम इसका कवर उठाते हैं और आप देख सकते हैं कि बिस्किट्स बिल्कुल अच्छी तरह बेक हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे बेकरी स्टाइल में बिस्किट्स तैयार हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को जल्दी से लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।